प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ICICI प्रूडेंशियल के टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम्स कौन से हैं जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने ICICI के सिर्फ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स को इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे आपको डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और साथ ही सेक्टर और थीमेटिक फंड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप ICICI प्रूफ के उन सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप स्कीम नेम देख लें, यहाँ पे AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं स्कीम्स का, साथ ही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। आप लोग हमेशा क्वेरी आता है बेंचमार्क क्या है, तो ये है इनका बेंचमार्क। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ICICI प्रूफ ब्लू चिप फंड से, जिसका बेंचमार्क देखिए निफ्टी 100, मतलब कि मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है, सबसे बड़ी कंपनीज, वहां पे ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है। परफॉर्मेंस देखिए 1 ईयर, 3 ईयर बेंचमार्क से कंपेयर कीजिए रिटर्न को, तो सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को देखकर ये बोला जा सकता है कि ये फंड फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है। सेकेंड फंड है ICICI प्रूफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसका बेंचमार्क क्या है, लार्ज मिड कैप 250, मतलब कि लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स और मिड कैप का 150 स्टॉक्स, टोटल 250 स्टॉक्स में ही अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पे भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में ही अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन हाँ 10 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। थर्ड फंड है ICICI प्रूफ फ्लेक्सी कैप फंड, इसका बेंचमार्क क्या है, BSE 500, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स, मिड कैप के 150 स्टॉक्स और साथ ही स्मॉल कैप के 250 स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी किसी भी प्रपोर्शन में ये फंड अपना एक्सपोजर ले सकता है। इसका परफॉर्मेंस देखिए 1 ईयर, 3 ईयर, नया फंड है इसलिए 5 ईयर, 10 ईयर का परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ जो परफॉर्मेंस अवेलेबल है वहां पे ये फंड काफी अच्छा कर रहा है। ICICI प्रूफ मल्टी कैप फंड, इसका देखिए क्या है, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25, तो मल्टी कैप फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, एटलीस्ट 25% मिड कैप में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का 25% कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही 50% या उससे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलता है, तो इसीलिए इस तरह के फंड्स को रिस्की माना जाता है, ज्यादा रिस्की माना जाता है। यहाँ भी परफॉर्मेंस देखिए 1 ईयर, 3 ईयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ 10 ईयर में अगेन बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो देखिए जो भी रेड कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया वहां पे ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ICICI प्रूफ मिड कैप फंड, इसका बेंचमार्क है मिड कैप 150, मतलब कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो मिड कैप की 150 कंपनीज है वहां पे करता है। यहाँ 1 ईयर में तो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है ये फंड। स्मॉल कैप फंड, इसका बेंचमार्क है स्मॉल कैप 250, मतलब कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल कैप की 250 कंपनीज है वहां पे करेगा। इस फंड का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 ईयर में तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है, जबकि 3 ईयर, 5 ईयर में बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है और 10 ईयर में बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। ELSS टैक्स सेवर फंड, तो यहाँ पे बेंचमार्क है निफ्टी 500, मतलब कि ये फंड भी फ्लैक्सी कैप फंड की तरह लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 10 ईयर में थोड़े से मार्जिन से बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, इसका बेंचमार्क भी है निफ्टी 500, मतलब कि ये फंड भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस फंड का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। फोकस्ड इक्विटी फंड, इसका ही बेंचमार्क देखिए BSE 500, मतलब कि ये फंड भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसका परफॉर्मेंस भी देखिए बहुत अच्छा है, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। और लास्ट है ICICI प्रूफ वैल्यू डिस्कवरी निफ्टी 500, ये फंड कहीं भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बेंचमार्क देखकर आपको पता चल जाता है कि ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट कहां करेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
और इसका परफॉर्मेंस भी देखिए ना, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। तो ये है आईसीआईसीआई प्रू के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इन फंड्स में अगर रैंकिंग देना हो लाइक वेरी गुड फंड्स तो उसको हम 5 स्टार रेटिंग देंगे, गुड फंड्स को 4 स्टार रेटिंग देंगे और एवरेज फंड्स को हम 3 स्टार रेटिंग देंगे। तो इसमें से कौन से 5 स्टार होंगे, कौन से 4 स्टार होंगे और कौन से 3 स्टार होंगे, परफॉर्मेंस देख के मोस्टली आप भी डिसाइड कर सकते हैं। बट एनी मैं भी आपको अपने तरफ से गाइड कर देता हूँ। तो देखिए 5 स्टार रेटिंग आप किसको देंगे, तो जिसको भी मैंने डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है उसका परफॉर्मेंस आप देखिए, दैट इज आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो ये जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है उसके आधार पे इन ऑल 5 फंड्स को हम 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, दैट इज इन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। और वैसे फंड्स इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है दैट इज गुड फंड है जिन्हें हम 4 स्टार दे सकते हैं, तो वो फंड होंगे आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। इन दोनों का भी रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। नाउ यहाँ पे वैसे फंड जिनका परफॉर्मेंस एवरेज रहा है दैट इज कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा खराब रहा है, तो ये 3 फंड्स को मैं एवरेज दूंगा 3 स्टार रेटिंग। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई अंडर परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा, आप 3 स्टार क्यों दे रहे हैं लाइक आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड। देखिए इसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टैंड अलोन आप उस फंड का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, आपको कंपेयर करना पड़ेगा फर्स्ट बेंचमार्क से और साथ ही उस कैटेगरी के जो दूसरे फंड है उसके साथ भी आपको परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। तो देखिए 1 ईयर में तो टोटली अग्री ना बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क से, लेकिन अगर आप दूसरे होराइजन में देखेंगे 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर में तो बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, तो मोस्टली ये शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस है। और साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर आप दूसरे अच्छे फंड्स का ही परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत सारे टॉप क्लास के फंड जिनका पास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है वो भी बेंचमार्क के मुकाबले फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस माना जाएगा और इसीलिए मैं एवरेज बोल रहा हूँ। और मिड कैप परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर में रिकवरी हुआ है, पहले ये भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि बेंचमार्क के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, और ईएलएसएस फंड भी वही है बेंचमार्क के थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, इसीलिए इन फंड्स को हम बुरा फंड नहीं बोलेंगे, एवरेज फंड बोलेंगे, बट हाँ साथ ही हम कोई बहुत ज्यादा अच्छा फंड भी नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरह के फंड्स हैं, इस तरह के फंड्स अगर हमारे पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी, तो अगर वेरी गुड फंड्स हैं, गुड फंड्स हैं, तब तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ साथ ही अगर एवरेज फंड भी अगर पोर्टफोलियो में है जिसका थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आया रीसेंट टाइम्स में, तब लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर ठीक कर रहा है, लास्ट 1-2 ईयर्स में अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो वहाँ पे कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1-2 ईयर्स के भी अंडर परफॉर्मेंस पे फंड्स को निकालने लगेंगे अपने पोर्टफोलियो से, तब तो आपको हर एक 1-2 साल में पोर्टफोलियो चेंज करता रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्सेशन का भी ध्यान देना है, अगर एग्जिट लोड है उसका भी ध्यान देना है। तो सिर्फ मैं इन फंड्स के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पोर्टफोलियो किसी भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी भी कंपनी के फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो, अगर कोई फंड थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो पोर्टफोलियो से नहीं निकालना चाहिए। यहाँ पे क्वेरी ये आता है कि अगर इन फंड्स में से हमें टॉप 3 फंड सेलेक्ट करना हो तो कौन से फंड्स होंगे, तो टॉप 3 फंड्स ऑफकोर्स ये जो टॉप 5 वेरी गुड फंड्स हैं उसमें से ही हम टॉप 3 सेलेक्ट करेंगे। तो टॉप 3 फंड्स मुझे अगर सेलेक्ट करना हो तो मैं सेलेक्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। यहाँ पे जान लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड फंड और फोकस्ड इक्विटी फंड को मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि दोनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, किसी के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा, और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है उसके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है तो बहुत अच्छा, लेकिन टॉप 3 में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अगर आप फोकस्ड फंड का देखेंगे, फोकस्ड इक्विटी फंड, तो देखिए यहाँ पे लिमिटेशन ये होता है कि फंड मैनेजर 30 स्टॉक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे 30 स्टॉक जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो इस तरह के फंड्स में उसी तरह के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है तो हर एक स्टॉक में आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपका कॉल सही जाता है, सही स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन साथ ही अगर आपका कॉल गलत जाता है, जिन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आता है तो आपका अंडर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा आएगा, इसीलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। डिविडेंड यील्ड फंड, देखिए डिविडेंड यील्ड फंड का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादातर मिलेगा लार्ज कैप के स्टॉक्स और पीएसयू स्टॉक्स,
तो लार्ज कैप का स्टॉक एनी हो आपको आईसीआईसीआई प्रूफ ब्लू चिप फंड से अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है। और पीएसयू स्टॉक्स देखिए, पीएसयू स्टॉक ज्यादातर डिविडेंड यील्ड फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पीएसयू ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादातर डिविडेंड यील्ड फंड्स का फिलहाल परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स डिविडेंड तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका जो रिटर्न आया है स्टॉक्स का रिटर्न वो बहुत ज्यादा आया है क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स का समय है फिलहाल। लेकिन हाँ, आने वाले समय में देखना होगा कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ठीक है, नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल अभी लग रहा है कि पीएसयू का और थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना होगा क्योंकि पीएसयू का अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है। ज्यादातर डिविडेंड यील्ड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पास्ट का ना डिफरेंट डेट्स पे, तो वहां पे परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मोस्टली इन फंड्स का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा इसीलिए आया क्योंकि पीएसयू का एक्सपोजर अच्छा खासा है। ये है आईसीआईसीआई प्रू के टॉप 3 फंड्स। इन फंड्स का अगर आप रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर चेक करेंगे 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन में, तो रिस्क आपको ज्यादा नहीं लगेगा। लाइक बीटा देखिए, 1 से ज्यादातर केसेस में आपको काफी कम मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन भी एटलीस्ट 3 ईयर्स में तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे फंड्स का आप शार्प रेशियो चेक कर सकते हैं, तो 3 ईयर में तो 1 से काफी ज्यादा है, 5 ईयर में भी परफॉर्मेंस ठीक है। देखिए, अगर 1 के आसपास या 1 से ज्यादा शार्प रेशियो है तो उसे अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो किसी भी फंड का उसे उतना अच्छा माना जाएगा। कभी कभी किसी फंड में आपको शार्प रेशियो 2 के आसपास भी दिखेगा जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। अल्फा भी देखिए ना, 3 ईयर होराइजन में तीनों ही फंड्स का अल्फा बहुत अच्छा है, और 5 ईयर में भी अल्फा आपको ठीक लगेगा। और फ्लेक्सी कैप फंड तो रिलेटिवली न्यू फंड है, इसीलिए 5 ईयर के डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इन फंड्स का कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलेगा। तो देखिए, ब्लू चिप फंड और वैल्यू डिस्कवरी का एम बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन दोनों ही फंड्स लार्ज कैप में ही अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न फिलहाल एम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया का अगर आप मार्केट कैप भी देखें ना, तो लगातार बढ़ रहा है। फ्लेक्सी कैप का तो खैर ठीक है। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करें तो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग ब्लू चिप का ज्यादा नहीं है, वैल्यू डिस्कवरी का तो खैर ज्यादा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये वैल्यू फंड है तो उसका तो कम होना ही है, तो इन दोनों का तो ठीक है। लेकिन हाँ, फ्लेक्सी कैप का बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है। जब हम मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा। एनुअल टर्नओवर चेक कीजिए तो ब्लू चिप फंड का तो बहुत कम है, मतलब बाय एंड सेल ज्यादा नहीं कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप का भी ठीक है, वैल्यू डिस्कवरी का ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे स्टॉक्स का बाय एंड सेल रिलेटिवली ज्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए 60 के आसपास सभी में है, मतलब कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है यहाँ पे। यहाँ पे आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर है। तो ब्लू चिप फंड है तो लार्ज कैप में तो ज्यादा होना ही है, यहाँ पे मिड कैप में भी एक्सपोजर लिया गया है। फ्लैक्सी कैप फंड अगर आप देखें तो देखिए, इसीलिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, यहाँ पे आपको स्मॉल कैप में 19% से भी ज़्यादा एक्सपोजर है, मिड कैप में भी अबाउट 12% के आसपास का एक्सपोजर है। वैल्यू डिस्कवरी देखिए, यहाँ भी ये मोस्टली लार्ज कैप का ही पोर्टफोलियो है, लेकिन हाँ, साथ ही मिड कैप में भी एक्सपोजर लिया गया है 10% के आसपास। यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं किन सेक्टर्स में कितना एलोकेशन लिया गया है। तो ब्लू चिप फंड लार्ज कैप है, इसीलिए फाइनेंशियल में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, टेक में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है यहाँ पे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी 11% के आसपास है। फ्लेक्सी कैप फंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, फाइनेंशियल है, टेक, और वैल्यू डिस्कवरी अगर आप देखें तो फाइनेंशियल, टेक और एनर्जी यूटिलिटीज। तो देखिए, अगर सेक्टर वाइज देखें ना, तो सभी में आपको सेम सेक्टर्स मिल रहे हैं, मतलब कॉमन पोर्टफोलियो एटलीस्ट सेक्टर लोकेशन वाइज। स्टॉक पोर्टफोलियो में पता चलेगा क्या स्टॉक्स भी सिमिलर हैं क्या। यहाँ पे मैं आपको वैल्यू डिस्कवरी फंड का सेक्टर लोकेशन समझा देता हूँ एक बार। तो देखिए, नंबर 1 कहाँ पे है, फाइनेंशियल, तो वैल्यू फंड है। फाइनेंशियल में ज्यादा एक्सपोजर लेने का बिल्कुल मतलब बनता है क्योंकि फाइनेंशियल के जो स्टॉक्स हैं, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो रिटर्न्स नहीं आया है, जबकि अच्छे क्वालिटी के बैंक्स हैं, तो यहाँ पे ड्यू है रिटर्न्स। तो अगर बड़ा एलोकेशन लिया गया तो ठीक है ये। साथ ही टेक, मैंने हमेशा आपको बताया नंबर 1 फाइनेंशियल और नंबर 2 टेक, क्योंकि टेक का भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आया है रिसेंट टाइम्स में। लेकिन हाँ, यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए टेक में इतना ज्यादा एक्सपोजर लिया गया है। एनर्जी का इतना ज्यादा एक्सपोजर आया होगा, एक तो रिलायंस है और दूसरे पीएसयू कंपनीज के कारण। हेल्थ केयर ऑफकोर्स, यहाँ भी रिटर्न्स और आना ड्यू है। कंज्यूमर स्टेपल्स तो आपको पता है, एफएमसीजी कंपनीज, यहाँ भी परफॉर्मेंस आना ड्यू है। तो सेक्टर एलोकेशन वाइज अच्छा है। यहाँ पे इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो सभी जगह मोस्टली आपको सेम तरह के स्टॉक्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने हमेशा रिपीट किया है कि देखिए, फंड्स तो अच्छे हैं, एक फंड सफिशियंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आईसीआईसीआई आपको अच्छा एएमसी लगता है तो सारे फंड्स आप आईसीआईसीआई के ही ले लें, क्योंकि और दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हैं, वहाँ भी अच्छे फंड्स हैं। तो कोई अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप वहाँ एक्सपोजर लें, लेकिन ना
पोर्टफोलियो को जरूर एक बार चेक कर लें, बहुत ज्यादा ओवरलैप है तो मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे ब्लू चिप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे, टॉप होल्डिंग्स क्या है, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एलएनटी, एचडीएफसी, एक्सिस। फ्लैक्सी कैप फंड का टॉप पोर्टफोलियो टीवीएस मोटर्स, आईसीआईसीआई, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। और वैल्यू डिस्कवरी एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज। नीचे भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो ज्यादातर आपको सिमिलर दिखेगा। कि याद रखिए वैल्यू फंड्स ज्यादा रिस्की होते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैसे स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश किया जाता है, जो कि रिसेंट टाइम्स में शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन आने वाले समय परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इन फंड्स का रिटर्न जो है कुछ समय तक बिल्कुल नहीं आए, लेकिन हाँ बाद में जब रिटर्न आता है वो रिकवरी कर लेते हैं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स का हमने डिटेल चेक किया, ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पूरा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करें, डाइवर्सिफाई करके रखें। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे? ट्राई करें कि 3-4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज में अपना एक्सपोजर लें, साथ ही किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एक फंड सफिशियंट है आपके लिए। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के 2 फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि वैसे फंड्स को सेलेक्ट करें जहां की पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा ना हो, दैट इज सेम स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिया गया हो, जो स्टॉक्स हैं वो अलग अलग हो। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आप मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड में एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो ऑफकोर्स अलग होगा ना। लार्ज कैप से मिड कैप का भी पोर्टफोलियो अलग होगा, स्मॉल कैप का भी पोर्टफोलियो अलग होगा। तो ध्यान में रखें, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि देखिए, ये कॉल है, फंड मैनेजर कॉल लेता है, उसका रिसर्च टीम कॉल लेता है कि ये सेक्टर्स अच्छा करेंगे, ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। जब कॉल सही जाएगा तो रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन हमेशा कॉल सही नहीं जाता है, कुछ टाइम्स में कॉल गलत भी जाता है, वहाँ पर रिटर्न्स कम आएंगे। इसीलिए डाइवर्सिफाई करके रखे हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज पे और डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। अगर इन बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मोस्टली आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो फ्रूटफुल होगा, अच्छा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियोज में ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।